नमस्ते फ्रेंड्स, सपनाज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी कच्चे आम पापड़ की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने चार कच्चे आम अच्छे से धोकर लिए हैं और इसे मैंने दाल चावल के कुकर में ही ऊपर रख दिया है और इसकी हमें 3 से 4 सीटी लगानी है। तो 4 सीटी होने के बाद, कुकर ठंडा होने के बाद आम को हमने निकाल दिया है। अब हम इसका छिलका हटा देंगे। बड़े आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। तो यहाँ आम छील कर तैयार है। अब हम इसका पल्प निकाल देंगे। तो हाथों से ही इस तरह से हम इसका पल्प निकाल देंगे और अंदर की जो गुठली है इसको साइड में कर देंगे। तो यहाँ मैंने सारा पल्प निकाल दिया है। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो जिस बर्तन में हम ये बनाने वाले हैं उसी में हम ये छानेंगे। तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है। छानने से इसमें जो धागे होते हैं वो निकल जाते हैं और एकदम प्लेन पल्प हमारा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये ऊपर का पार्ट हम निकाल देंगे और ये पल्प जो है लगभग ये 1 कप के करीब है। तो इसमें हम 1/2 कप चीनी डालेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच नमक और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स होने के बाद हम इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं या थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना बन जाए। ये 8 से 10 मिनट में गाढ़ा बन जाता है और आप देख रहे हो पहले से ये गाढ़ा बन चुका है। तो ये बन रहा है, तब तक हम एक थाली को घी से ग्रीस करेंगे। तो यहाँ लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ये पहले से भी गाढ़ी बन चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ग्रीस की हुई थाली में डाल देंगे। और अब हम इसको एक जैसा स्प्रेड करेंगे और इस तरह से आप देख सकते हो पूरी तरह से फैला के ये तैयार है। और अब हमें इसे 2 दिन तक धूप में रखना है। थोड़ा सा सूखने के बाद हम इसे प्लास्टिक की शीट से या फिर पतले कपड़े से इसको ढक देंगे। तो 2 दिन के बाद आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसको निकाल देंगे। तो पहले हम चाकू की सहायता से इसके एजेस को अलग करेंगे। घी लगाने के कारण ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर एक जैसा फैलाया हो तो निकलने में दिक्कत नहीं होती। अगर थोड़ा सा भी चिपका हो तो इस तरह से आप उंगली की सहायता से इसको अलग कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये आम पापड़ हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो पहले हम इसको इसके एजेस को कट करके इसको चौकोन आकार देंगे। तो यहाँ हमने चौकोन आकार में कट किया है और इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स हम कट करेंगे। इसको हम एक के ऊपर एक रख देंगे। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा पापड़ हमारा तैयार है। और एक के ऊपर एक रखने के बाद इस तरह से हम इसके पीसेस कर देंगे। तो यहाँ इस पापड़ के लेयर्स आप देख सकते हो, ये देखिए। और इस तरह से ये खट्टा और मीठा आम पापड़ हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना कर देखिए। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। और मिलते हैं इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।